चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि पुलिस सो रही है। ये हमें गाड़ी के टायर चोरी होने की सूचना मिली थी। गाड़ी के चारों टायर चोर जो है खोल कर ले जाते हैं और गाड़ी को ईंटों के सहारे खड़ी कर चला जाता है। टायर निकाले, चारों टायर निकाल लिए गाड़ी के और हमें सुबह 6 बजे पता लगा है। जैसी वारदातों से बचना है तो पुलिस के सहारे मत रहिए, आपको जागना पड़ेगा और इन जैसी वारदात से बचना पड़ेगा। चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि पुलिस सो रही है। आप जागेंगे तो ऐसी वारदात से बच पाएंगे। फिलहाल कैथल के 19 पार्ट 2 से लाइव जुड़ चुका हूं और 1064 के सामने शाम को 7 बजे गाड़ी आकर खड़ी होती है, लेकिन रात के 2:30 बजे के आसपास इस गाड़ी के चारों टायर चोर जो है खोल कर ले जाते हैं और गाड़ी को ईंटों के सहारे खड़ी कर चला जाता है। लेकिन ऐसी वारदातें अगर इस जैसे पोश इलाके में होंगी तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते कि आम जन जहां रहते हैं तो वहां पर किस तरह से सुरक्षा होगी जो पोश इलाके में इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे। एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कैथल पुलिस की कार्यशैली पर। यह पहला ऐसा मामला नहीं है, हर दिन लगभग 5 से 6 मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, लेकिन पता एक मोटरसाइकिल का भी पता नहीं लगता। आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जब इस पोश इलाके की अगर सुरक्षा नहीं कर पा रहा तो पूरे शहर की सुरक्षा आखिरकार किस तरह से होगी? तस्वीर मैं दिखाऊं, चारों टायर जो है वो एक व्यक्ति रात को लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में पहुंचता है, अकेला जैक लेकर आता है, उसके बाद एक एक करके चारों टायर को जो है वो खोल लेता है और गाड़ी को जो है ईंटों के सारे खड़ाई कर चला जाता है। लेकिन व्यक्ति जो ये पार्क है, इस पार्क से एंट्री करता है, कोई संसाधन उसके पास नहीं है और चारों टायरों को खोल कर चला जाता है। लेकिन ये पूरा कार्य करने में उसको 50 मिनट लगते हैं, लेकिन 50 मिनट लगने तक ना तो कोई पुलिस की गश्त यहाँ पर देखी जाती है और ना ही कोई चौकीदार का पहरा, क्योंकि पीछे जो पार्क है चौकीदार भले ही यहाँ पर हो लेकिन कहा यह जा रहा है कि 10 बजे के बाद वो चौकीदार इस पार्क में गश्त नहीं करता, इसकी देखरानी करता। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है लाइट व्यवस्था पर। भले ही सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका हो लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति ये वारदात को अंजाम देता दिखाई दे रहा है उसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा। उसका अगर सबसे बड़ा कारण माने तो इस इलाके में लाइट व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि जो लाइट व्यवस्था लगाई हुई है वो सही तरह से चालू नहीं है, दुरुस्त नहीं है, जिसके कारण रात के अंधेरे में लोग आते हैं और वारदात को अंजाम दे जाते हैं। लेकिन अगर आपको इन जैसी वारदातों से बचना है तो पुलिस के सहारे मत रहिए, आपको जागना पड़ेगा और इन जैसी वारदात से बचना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस इस समय कैथल में सोती हुई नजर आ रही है। अनेकों वारदातें देखी जा रही हैं, लेकिन मैं आपको वो दृश्य भी दिखाऊंगा कि कहां से जो है वो ईंटें उठाई और उसके बाद इस गाड़ी को ईंटों के सहारे खड़े कर दिया। ये यहां से उस चोर द्वारा यानी एक युवक यानी एक चोर इस पूरी घटना को अंजाम दे जाता और गाड़ी को चारों टायर खोलकर और ईंटों के सहारे खड़ी कर चला जाता है। पुलिस फिलहाल चोरी की वारदात के बाद या तमाम इन वारदात के बाद पहुंचती है और खानापूर्ति करती हुई नजर आती है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और तमाम जानकारियां हासिल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंचेगी तो आने वाला समय बताएगा। आखिरकार इस मामले में पुलिस कितनी जल्दी चोर को गिरफ्त में लेती है, लेकिन साफ तौर पर जो अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 1.25 लाख के आसपास का नुकसान है, क्योंकि चारों टायर नए बताए जा रहे हैं जो कि चोर खोल कर ले गया है। लेकिन मौके पर जो लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं और जो पुलिस मौके पर पहुंची है उनसे भी जान लेते हैं आगामी कार्रवाई क्या की जा रही है। कुणाल नाम है भैया। क्या हुआ था? रात को कुछ 2:30 बजे के आसपास ये यहाँ पे सारे टायर निकाले, चारों टायर निकाल लिए गाड़ी के और हमें सुबह 6 बजे पता लगा है और सीसीटीवी कैमरा से क्लियर नहीं हो पा रहा है इसे, मतलब अच्छी तरह फेस उसका क्लियर नहीं है। तो अब देखते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करी है क्या बनता है। कितने लोग थे वो जो? एक ही था, एक ही जना था। चारों टायर गाड़ी के चारों टायर निकाल लिए गाड़ी के। कितने बजे गाड़ी यहाँ खड़ी की गई थी? 7 बजे की शाम को 7 बजे गई थी।
अच्छा, तो रात को कितने बजे की घटना है? 2:30 बजे की जी। तो पुलिस को किस तरह सूचना दी, कितने बजे आपको पता लगा? हमें सुबह 6 बजे पता लगा जी कि मतलब टायर निकल चुके हैं चारों गाड़ी के, तो हमें सुबह 6 बजे पता लगा जी। कैसे जैक लेके आया था? कैसे जैक लेके आया था सर, उसके बाद यहाँ से ईंटें उठाई हैं, देखो यहाँ से ईंटें उठाई है और अपना जैक लगाया है, चारों टायर निकाल लिए। और उससे गाड़ी कौन सी आपकी है और होंडा कितना नुकसान मानते हैं? होंडा सिटी गाड़ी है मेरी जी, नुकसान कम से कम 1.25 लाख रुपये का, ज़्यादा हो कम नहीं है जी। अच्छा, तो हाँ। कितने युवक थे जो इस वारदात को अंजाम देके एक गए? एक ही था सर, एक युवक चारों टायरों को निकाल, चार कितना समय टायर निकालने में लगा जो सीसीटीवी देख? 50 मिनट 50 मिनट। हाँ, किस चीज़ में आए थे? यहाँ पार्क से कूद के आए थे, तो बस यहीं से वापस यहीं से गए। लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, हम तो यही कहना चाहेंगे जी पुलिस वाले कुछ ध्यान दे, यहाँ पे बिल्कुल गश्त नहीं होती है रात को, कोई राउंड पे नहीं होती पुलिस, कोई कुछ नहीं कर रही है, राउंड मारे रात को यहाँ पे। सेक्टर 19 है, पोष इलाका है, क्या यहाँ पर भी अगर सुरक्षा नहीं तो आम जगह सुरक्षा कैसे होगी? सर अभी तो अब अपनी बीजेपी वाले बताएंगे सर। क्या मानते हैं कि सरकार प्रशासन को पूरी तरह से प्रबंध जो है पुख्ता करने चाहिए? और क्या करने चाहिए सर, उनको सारा काम करना चाहिए एकदम। ठीक है जी, क्या नाम है? हेड कांस्टेबल राम मेयर। सर क्या मामला है? ये हमें गाड़ी के टायर चोरी होने की सूचना मिली थी, जिस सूचना मौके पे आया था, शिकायतकर्ता ने शिकायत दे दिया, एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कैसे चोरी? कुछ सीसीटीवी में दिखाई दे रहा हो? सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कितने लोग हैं जो इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं? एक ही लड़के की फुटेज है। तो क्या गाड़ी के कितने टायर जो है खोल के लेके जाए गए? 4 टायर हैं गाड़ी के। कितने बजे की वारदात जो है वो देखी गई सीसीटीवी में? सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 1 और 1:40 के बीच, 2 और 2:40 के बीच की। सॉरी, तो उसके बाद जो वारदात को अंजाम जो युवक दे रहा है दिख रहा है, वो उसके बाद टायरों को किस तरह से ले जाता हुआ नजर आ रहा है, कुछ इस तरह की देख? ऐसी कुछ नजर नहीं आ रहा है फुटेज में। तो परिवार की ओर से किसी पर शक किया गया हो, किसी का चेहरा? परिवार ने किसी का चेहरा पहचान नहीं आया, ना किसी पर शक है। तो अब आगामी क्या कार्रवाई की जा रही है? आगामी एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिकायत दी गई हो किन की ओर से दी गई है? अमन शाह है कोई शिकायत करता। एरिया कहाँ पे है ये? सेक्टर 19 पार्ट 2 हुड्डा का। मकान नंबर है सर? ये 1064 है सर।